उधर तुर्की की सेना ने उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर एक बार फिर मिसाइलों की बारिश कर दी और इस हमले में 5 कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। और तुर्की की ओर से कुर्द लड़ाकों पर कहर बरपाने का एक वीडियो भी जारी किया गया। इसमें तुर्की की फौज लड़ाकू विमानों के जरिए मिसाइलें बरसाती नजर आई। ताबड़तोड़ हमलों की वजह से वहां तेज धमाके होते दिखाई दिए और उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। तुर्की के मीडिया के मुताबिक यह ऑपरेशन उत्तरी इराक के कंदील इलाके में चलाया गया। इराक और ईरान की सीमा के नजदीक मौजूद इस इलाके को कुर्द लड़ाकों के संगठन PKK का गढ़ माना जाता है, लेकिन कुर्द लड़ाकों के खात्मे की कसम खाने वाली तुर्की की फौज ने उसके इलाके में घुसकर जोरदार प्रहार कर दिए। तुर्की के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना को जैसे ही उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के उस ठिकाने का पता चला, वैसे ही खतरनाक मिसाइलों से लैस तुर्की के लड़ाकू विमान वहां टूट पड़े और भीषण हमले में कुर्द लड़ाकों के उस ठिकाने को राख कर दिया गया। 5 लड़ाकों को मौत के घाट उतारने का भी दावा किया गया और ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की किसी भी सूरत में कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटा देना चाहता है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों पर तुर्की को दहलाने के आरोप लगते आए हैं। लेकिन 1 अक्टूबर को तो कुर्द लड़ाकों ने तुर्की को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली थी, क्योंकि इसी दिन तुर्की की राजधानी अंकारा में संसद भवन के पास एक आत्मघाती हमला हुआ था और उसकी जिम्मेदारी कुर्द लड़ाकों के संगठन PKK ने ली थी। इस हमले के बाद से तुर्की ने सीरिया और इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। तुर्की की सेना वहां एक के बाद एक हवाई हमले कर रही है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक पिछले 2 महीनों में तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों के 200 से ज्यादा ठिकानों को मिट्टी में मिला चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजिप तैयब अर्दोगान साफ कर चुके हैं कि उनकी सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन यानी कुर्द लड़ाकों का सफाया नहीं कर देती। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की और कुर्द लड़ाकों का झगड़ा काफी पुराना है, लेकिन तुर्की के तेवरों से साफ है कि वो इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने तुर्की को कई गहरे जख्म दिए। तुर्की का आरोप है कि बीते 35 साल में कुर्द लड़ाकों के हमलों में उसके 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और कुर्द लड़ाकों की इसी बर्बरता की वजह से तुर्की उन्हें आतंकी मानता है, जबकि कुर्द समुदाय के मुताबिक उसके लड़ाके एक अलग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्द समुदाय के लोग सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की और आर्मेनिया में रहते हैं। उनकी आबादी करीब 3.5 करोड़ है और वो अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते हैं और इस देश को बनाने के लिए इराक के उत्तरी, तुर्की के दक्षिणी और सीरिया के उत्तरी इलाकों को एक साथ जोड़ने की मांग है।